नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूँ। मैं वैसे तो डॉक्टर हूँ पर कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्सा गो कहते हैं मुझे, स्टोरी टेलर। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ दिल्ली के बारे में। वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत कुछ है, जहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। दिल्ली में स्थित लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि कई जगहों पर हर दिन हजारों पर्यटक परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब बात हॉन्टेड प्लेस की आती है तो पर्यटक वहां घूमने के लिए काफी उत्सुक और आतुर हो जाते हैं। दिल्ली में कुछ भूतहा जगह जिन्हें हॉन्टेड प्लेस कहते हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध जगहों में भानगढ़ का किला, अग्रसेन की बावड़ी और पुराना किला के नाम तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन क्या आपने दिल्ली में स्थित भूली भटियारी महल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए हम आपको दिल्ली के एक चर्चित भूली भटियारी के महल के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। इस महल का इतिहास बहुत ही रोचक है, जिसे लगभग 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यह महल दिल्ली में सेंट्रल रिज रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तुगलक शासन के दौरान यह शिकार लाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता और इसी स्थान पर जानवरों को मारकर भी रखा जाता था, जिससे कि जंगली जानवर उन्हें खाने के लिए आए। लेकिन तुगलक शासन के बाद यह महल खंडहर में परिवर्तित हो गया और लोगों के लिए बेहद ही डरावनी जगह बन गई। कहा जाता है कि आज भी इस महल से जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह जगह दिन में भी डरावनी लगती है, इसलिए लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। अब ये कैसे पड़ा इसका नाम भूली भटियारी? कहा जाता है कि राजस्थान से एक भूली नाम की भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक गई और वह इस महल में आकर रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही महिला ने यहीं पर दम तोड़। कहा जाता है कि इस महिला की आत्मा में महल में ही भटकती रहती है, शायद इसे इसीलिए भूली भटियारी का महल कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि कई लोगों ने उसे स्वयं भी महसूस किया है कि वहां जो भी जाता है वो रास्ता भूल जाता है और भटक जाता है, जिसमें मैं स्वयं और मेरा परिवार भी शामिल, क्योंकि हम उस भूली भटियारी के महल के बिल्कुल सामने दिल्ली का एक प्रतिष्ठित स्कूल स्प्रिंग डेल स्थित है, जहां मेरी दोनों बेटियां पढ़ती थीं। एक बार मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर कुसुम स्प्रिंग डेल स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल होने आए और जब हमें पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली तो हमने भूली भटियारी के महल की ओर जाने वाली रोड पर अपनी छोटी फिएट खड़ी कर दी। रात के 9-10 के करीब हम जब वापिस आए तो हमने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे चले गए और जब हम पलटने लगे तो हम रास्ता भूल गए। 1 घंटे तक हम भूली भटियारी के महल के जंगल में घूमते रहे और वहां ना लाइट, ना उन दिनों मोबाइल फोन, और हमारी हवा खिसक गई। हमारे बच्चे छोटे छोटे रोने लग गए, हमें समझ नहीं आया क्या करें। बड़ी मुश्किलों से एक टिमटिमाता दिया एक बुजुर्ग वहां बैठा हुआ था, हम उसके पास गए और हाथ जोड़कर हमसे कहा, बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, हमें आप किसी तरीके से यहां से निकलवा दीजिए। वो बाबा कौन था हमें जानते नहीं है, हमें बाहर तक छोड़ के गया और उसके बाद हमने कान पकड़े कि अब हम इस जगह पे कभी नहीं आएंगे, तो भूली भटियारी देखने जाएं पर रात को नहीं जाएं, और जाएं तो अकेले नहीं जाएं कि वहां पे
जैसा कहा जाता है कि भूरी भटियारी की आत्मा भटक रही है, क्या पता हम भी इसलिए भटक गए हों। तो देखा आपने कितनी मजेदार कहानी है दिल्ली की भूली भटियारी, जो कि शंकर रोड के शुरुआत में और स्प्रिंग डेल्स के सामने स्थित है। कैसी लगी आपको कहानी? नमस्कार।